उत्तर प्रदेश में हो रहे महिला अपराध को लेकर कांग्रेस सड़क पर आ गई है। टीकमगढ़ में कांग्रेस नेताओं ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतला जलाया और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर और हाथरस में दलित बच्चियों के साथ दुष्कर्म और जघन्य तरीके से की गई उनकी हत्या के विरोध में कांग्रेस ने मार्च निकाला, इस घटना का विरोध किया। कांग्रेसी जिला अध्यक्ष महेश यादव और पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया, उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसी घटना रोकने में समर्थ नहीं है, अतः वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। इस दौरान कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक पुतला फूंका और नारेबाजी की। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेश अनुसार आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर जो दिल्ली सरकार मोदी सरकार ने जो किसानों के लिए 3 काले कानून पास किए हैं उसके विरुद्ध स्वरूप आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम कलेक्टर महोदय के ज्ञापन सौंपा गया। इसी के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश एवं पूरे देश में नाबालिग बच्चियों के साथ गैंग रेप कर हत्याएं की जा रही हैं उसके विरोध स्वरूप एवं हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा के साथ जो बस लूटी पीड़िता के घर जाने बाबत रोक कर की गई है उसके विरोध स्वरूप यह ज्ञापन श्री महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम कलेक्टर महोदय को सौंपा गया है। ज्ञापन हम लोग किसी जो बिल है उसके खिलाफ दिया जी, किसानों को लूटने का जो बिल आया है संसद में उसके खिलाफ हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं। वही पार्टी का पूर्व से नियोजित ये कार्यक्रम था और हम लोगों का ज्ञापन था, लेकिन प्रशासन ने बराबर हम लोगों से अनुरोध किया कि आप लोग जो है कोरोना का ख्याल रखें, थोड़ा सा डिस्टेंस को मेंटेन करें, ज़्यादा लोग उपस्थित ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोगों ने उसका पालन किया और ज्ञापन देने किया। तो जो बलरामपुर की घटना हुई है उसमें ना नेताओं को जाने दे रहे हैं, ना राहुल गांधी को जाने दे रहे हैं, ना प्रियंका गांधी को जाने दे रहे हैं, ना पत्रकारों को जाने दे रहे हैं, ना वकीलों को जाने दे रहे हैं। आखिर कैसी जांच चल रही है? Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।